Hey, what's up guys, this is Raj and you are watching FreeTech। तो दोस्तों अगर आप लोग अपने Realme डिवाइस को बहुत ही एक अच्छा सा लुक देना चाहते हैं तो ये वीडियो दोस्तों यहाँ पे आप लोग काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो ये वीडियो के पास आप लोग लाइक करना, चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी एक बार आप लोग प्रेस कर लेना। तो गाइज यहाँ पे मैं जो कि काफ़ी कमाल के दो थीम्स लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, जो दोस्तों अगर आप अपने डिवाइस के अंदर बेसिकली यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो बहुत ही दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा सा लुक देने वाला है आपके डिवाइस को। तो यहाँ पे एट फर्स्ट आप लोग को iOS 14 वाले थीम के अंदर बेसिकली कुछ इस टाइप का एक होम स्क्रीन देखने को मिलेगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे काफ़ी यहाँ पे जो इसका ऐप आइकन है आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा। ओके, और दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छी वाली बात यह है कि आप लोगों को इसके अंदर काफ़ी कमाल का एक लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जो दोस्तों यहाँ पे जो कि आप लोग बैटरी का परसेंटेज ऊपर देख सकते हैं और उसी के ऊपर में दोस्तों यहाँ पे बेसिकली आप लोग एक घूमता हुआ नया एक एनिमेशन दिखाई देगा और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे जितना भी इसके अंदर बेसिकली ऑप्शंस है सभी मैक्सिमम कम कर जाता है। लाइक यहाँ पे देखिए फ्लैश लाइट का एक जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए जब दोस्तों यहाँ पे टैप करने के बाद ये बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को ओपन हो जाता है। और यहाँ पे इसका जो सेटिंग्स बार है, यहाँ पे दोस्तों सेटिंग्स बार के अंदर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत ऐप आइकन्स का दोस्तों यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाएगा इस वाले थीम के अंदर। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे एक और थीम है बेसिकली जिसका नाम है ब्लैक सर्क 3। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे जो कि आप लोग काफ़ी तगड़ा एक लुक देखने को मिलेगा, जिसके दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे देखिए सेटिंग्स बार से लेकर दोस्तों यहाँ पे जो कि आप लोगों को एक ऐप आइकन भी काफ़ी यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप का। दोस्तों यहाँ पे एक न्यू लॉक स्क्रीन जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे काफ़ी कमाल लगता है इसके अंदर। और इसका दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छी वाली बात यहाँ पे जो कि आप लोगों को काफ़ी कमाल का एक चार्जिंग एनिमेशन भी देखने को मिलेगा इस वाले थीम के अंदर। और गाइज ये जितना भी यहाँ पे थीम्स है ये बेसिकली क्रिएट किया है विकी चैनल, सो बेसिकली थैंक्स टू हिम। तो अभी दोस्तों बात आता है कि आप लोग कैसे अपने डिवाइस के अंदर इस वाले थीम को यहाँ पे अप्लाई करें। तो गाइज यहाँ पे दोनों थीम का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो सबसे पहले दोनों थीम को एक बार से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो डाउनलोड के बाद एक बार से आप लोग जाएंगे फाइल मैनेजर के अंदर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक बार से उस वाले फोल्डर को आप लोगों को सर्च कर लेना है जिसके अंदर बेसिकली डाउनलोड होके रखा है। तो गाइज यहाँ पे देखिए डाउनलोड के अंदर बेसिकली मेरा जो कि दोनों थीम यहाँ पे आ चुका है। तो गाइज यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला है ब्लैक सर्क 3 एंड गाइज यहाँ पे सेकंड वाला है iOS 14। तो यहाँ पे एक बार से मैं आप लोगों को iOS 14 का करके दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे जो भी थीम आप लोगों को अप्लाई करना है सिंपली इसके अंदर एक बार से आप लोग टैप करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो कि आप लोगों के सामने एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे एक बार से आप लोग एक्सट्रैक्ट के अंदर क्लिक कर लेना। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट टू डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उसके बाद यहाँ पे जो कि आप लोग एक पासवर्ड का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो गाइज अभी जो कि स्क्रीन के अंदर बेसिकली आप लोग का पासवर्ड शो कर रहा है, यहाँ पे सिंपली पासवर्ड डालने के बाद एक बार से आप लोग ओके के अंदर क्लिक करेंगे, देन दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट का एक ऑप्शन आएगा, तो उसके अंदर एक बार से फिर से आप लोग क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बेसिकली आप लोगों का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो गाइज इसके बाद हम लोग जाते हैं अभी इसके अंदर, और गाइज यहाँ पे आप लोग जैसे जाएंगे डाउनलोड के अंदर तो गाइज यहाँ पे देखिए बेसिकली एक iOS 14 करके एक न्यू फोल्डर बन चुका है। तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे जो कि आप लोगों को बेसिकली थीम देखने को मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे जो कि आप लोग सिंपली इसके अंदर टैप करना, देन यहाँ पे ट्राई मी एंड बाय का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली यहाँ पे आप लोग को ट्राई मी के अंदर बेसिकली क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का थीम बेसिकली आपके डिवाइस के अंदर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मेरा जो यहाँ पे ऐप का आइकन है बेसिकली यहाँ पे चेंज हो चुका है, एंड गाइज यहाँ पे कुछ iOS 14 जैसे यहाँ पे एक लुक देखने को हमें फिलहाल अभी मिल रहा है। तो गाइज तो अभी दोस्तों ये जो थीम है बेसिकली इसको परमानेंट आपके डिवाइस के अंदर यहाँ पे रहने के लिए एक काम आप लोग को करना होगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे प्ले स्टोर में आप लोग को एक ऐप मिलेगा जिसका नाम है बेसिकली सेट एडिट, इसका भी लिंक मैं आप लोग को डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार से गाइज इसको आप लोग इंस्टॉल कर लेना। ओके, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आफ्टर 5 मिनट या फिर दोस्तों यहाँ पे आफ्टर 30 मिनट ये जो कि थीम ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे परमानेंट रखने के लिए आप लोग एक बार से उसे यहाँ पे सेट एडिट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे जो कि सिंपली आप लोग एक बार से इसको ओपन करेंगे। ओके, तो इस ऐप को ओपन करने के बाद एक ऑप्शन को दोस्तों यहाँ पे जो कि आप लोगों को फाइंड आउट कर लेना है, जो दोस्तों यहाँ पे जो कि आप लोग अभी फिलहाल स्क्रीन के अंदर शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन मिल चुका है persist.sys.trial-theme1 करके है दोस्तों, इसके अंदर एक बार से आप लोग टैप करना। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो कि आप लोग एडिट वैल्यू का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली यहाँ पे एडिट वैल्यू में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो कि आप लोग बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा तो उसको दोस्तों यहाँ पे कट करके आप लोग एक बार से यार कर लेना है यहाँ पे 0। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव चेंजेस के अंदर एक बार से आपको टैप कर देना है, देन दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिंपली जो कि हमें बैक चले जाना है अपने डिवाइस के अंदर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो बेसिकली थीम है आप लोगों का ये यहाँ पे परमानेंटली आपके डिवाइस के अंदर
इनेबल हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों का पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को एक बार आप लोगों को लाइक करना, और गाइस यहाँ पे मैं जो कि आप लोगों को बेसिकली बता दिया कैसे आप लोग ये सारे थीम्स का मजा ले सकते हैं अपने रियलमी डिवाइस के अंदर। तो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को एक बार से यार आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय एंड एज यूजुअल जय हिंद।